नमस्कार दोस्तों, आपका GKT20 में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान भाग एक के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों के बारे में जानेंगे। आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपने सामान्य ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक एक, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए कान्हा किसली, बी माधव राष्ट्रीय उद्यान, सी बांधवाड़ा या डी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कान्हा किसली। प्रश्न क्रमांक दो, मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? ए 2 किलोमीटर, बी 0.27 किलोमीटर, सी 27 किलोमीटर या डी 2.8 किलोमीटर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 0.27 किलोमीटर। प्रश्न क्रमांक तीन, मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है? ए 30.71%, बी 33%, सी 65.7% या डी 2%। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 65.7%। प्रश्न क्रमांक चार, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? ए साल, बी सागौन, सी खेर या डी धावड़ा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सागौन के। प्रश्न क्रमांक पांच, कीट लगने से मध्य प्रदेश में किस वृक्ष के बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे? ए सागौन, बी खेर, सी साल या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी साल के। प्रश्न क्रमांक छह, मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान वाला स्थल है? ए ग्वालियर, बी दतिया, सी गंजबासोदा या डी बीना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गंजबासोदा। प्रश्न क्रमांक सात, मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? ए 2, B 3, C 4 या डी 6। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3 ऋतुएं पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक आठ, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? ए 3, B 4, C 5 या डी 7। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4 भागों में। प्रश्न क्रमांक नौ, मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य नामों से भी जाना जाता है? ए यूनाला, बी चौमासा, सी सियाला या डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 10, मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ए 3, B 4, C 2 या डी 7। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4 भागों में। प्रश्न क्रमांक 11, मध्य प्रदेश में रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन कब किया गया? ए 2002 में, बी 2003 में, सी 2004 में या डी 2005 में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2004 में। प्रश्न क्रमांक 12, राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल किए गए हैं? ए 5, B 7, C 9 या डी 10। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 9 जिले। प्रश्न क्रमांक 13, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? ए राय स्वांग, बी नोटंकी, सी काठी या डी माचा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राय स्वांग। प्रश्न क्रमांक 14, कांठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? ए निमाड़, बी बघेलखंड, सी बुंदेलखंड या डी मालवा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निमाड़। प्रश्न क्रमांक 15, मध्य प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक मेले आयोजित होते हैं? ए भोपाल, बी उज्जैन, सी होशंगाबाद या डी चंबल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उज्जैन संभाग में। प्रश्न क्रमांक 16, मध्य प्रदेश उत्सव कहां पर मनाया जाता है? ए दिल्ली, बी भोपाल, सी ग्वालियर या डी खजुराहो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दिल्ली में। प्रश्न क्रमांक 17, निम्न में से किस गायक का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? ए तानसेन, बी उस्ताद अलाउद्दीन खां, सी उस्ताद हाफिज अली खां या डी लता मंगेशकर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उस्ताद अलाउद्दीन खां। प्रश्न क्रमांक 18, मध्य प्रदेश के इस पुरा स्थल से मानव खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ? ए गुजरा, बी धर्मल, सी आदमगढ़ या डी हथनोरा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हथनोरा। प्रश्न क्रमांक 19, चीनी यात्री हेनसांग ने मध्य प्रदेश के किस स्थल का भ्रमण किया था? ए महिष्मती, बी चंदेरी, सी भूमरा या डी दशपुर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महिष्मती का। प्रश्न क्रमांक 20, मध्य प्रदेश के किस पुरास्थल से चित्रित शैलकृत गुफाएं मिली है? ए आवरा, बी आदमगढ़, सी नागदा या डी कायथा।
और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आदमगढ़ से।